अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो प्रोफाइल बनाई थी, साइन अप की थी, उसको किस तरह से आपने उसकी सेटिंग्स करनी है और कौन कौन सी सेटिंग्स रिक्वायर्ड है। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ये सारे काम हम किस तरह से करेंगे। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अकाउंट बनाया था और उसको एक्टिवेट किया था। तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ये वाले इनको अभी हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इनको हम अभी छोड़ देते हैं और चलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाएंगे हम प्रोफाइल के ऊपर, और प्रोफाइल पे आने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। ये हमारा लेफ्ट साइड है, ओके, और ये हमारी बिल्कुल राइट साइड है। तो हमने क्या करना है कि इस राइट साइड के अंदर हमने गिग्स डिज़ाइन करने हैं, गिग्स क्रिएट करने हैं, वो हम गिग्स के मॉड्यूल के अंदर करेंगे। अभी जो हमारी सेटिंग्स रिक्वायर्ड हैं वो सेटिंग्स हैं ये वाली लेफ्ट साइड वाली। तो हमने ये वाली सेटिंग्स बेसिकली करनी है। तो चलें चलते हैं क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले हमारे यहाँ पे एक इमेज लगानी है जो कि आपकी फ्रंट फेस इमेज होनी चाहिए, जो आप सिंपल इमेज लगाओगे, राइट। फ्रंट फेस की इमेज, तो मैं यहाँ से एक इमेज जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और लैपटॉप के अंदर जाके इफ़ देयर विल बी एनी इमेज ऑफ माइन, तो आई गेस मैं चलता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे देखता हूँ कौन सी ऐसी इमेज है जो मेरे फ्रंट फेस इमेज है और जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी फाइवर प्रोफाइल के लिए। तो अगेन मुझे यहाँ पे कोई इमेज मिल नहीं रही। खैर अभी के लिए मुझे कोई इमेज मिल नहीं रही, तो मैं इसके लिए यही इमेज यूज़ कर लूँगा जो भी मेरे पास एक अवेलेबल है, बाद में मैं इसको चेंज कर लूँगा। तो सिंपल आपने यहाँ पे एक अच्छी सी इमेज अपनी इनपुट करनी है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक पेंसिल आइकन है, यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने बेसिकली एक टैग लाइन लिखनी है अपने स्किल्स के रिलेवेंट। लेट्स से मैं एक वेबसाइट डिज़ाइनर हूँ, डिवेलपर हूँ, वर्डप्रेस डिवेलपर हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेटिस्फैक्ट्री वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज। तो इस तरह से मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद अब मजीद नीचे आएंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है लर्न का। तो यहाँ पे हमें एक बैच लगाना है, वो भी फ्री के अंदर। ये फाइवर का एक प्रोग्राम है जिसके अंदर फाइवर डिफरेंट ट्रेनिंग्स ऑफर करता है। तो आप यहाँ से कोई भी चीज़ अगर सीखना चाहें या उसका कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन हम किस पर्पज़ के लिए यहाँ पे हैं, हम आए हैं अपना एक फ्री कोर्स ज्वाइन करने के लिए। तो अगर मैं इसको व्यू ऑल कोर्स पे क्लिक करूँ और बिल्कुल एंड के ऊपर आ जाऊँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स मौजूद होगा फ्रीलांसिंग का। ये बेसिक सा फ्रीलांसिंग है और मतलब कुछ इसेंशियल्स हैं, इसको आप अच्छे तरीके से देख भी सकते हैं, लेकिन हमारा इसको देखने का मकसद ये है कि हम क्या करें, इसको देखने के बाद हम एक बैच मिलेगा जो कि हम अपने प्रोफाइल के ऊपर लगा सकेंगे और उससे हमारे प्रोफाइल की जो क्रेडिबिलिटी है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। जो बाहर आएगा वो देखेगा आपकी प्रोफाइल के ऊपर एक ऑलरेडी फाइवर की तरफ से एक बैच है, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे पॉज कर देता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कंटिन्यू करता जाता हूँ और जो भी क्विज आएगा उसका मैं आंसर्स कंप्लीट करके और अपना जो है फाइवर के ऊपर वो सारी लगा सकूंगा। तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और हर मॉड्यूल के बाद हमें यहाँ पे क्विज देखने को मिलेगा, तो हमें वो क्विज भी अटेम्प्ट करना होगा तभी हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो मैं मजीद नेक्स्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं ऑब्वियसली बात है मुझे उन सारी स्किल्स का पता है, उन सारे क्विजेस का पता है, उन सारे आंसर्स का पता है, तो मैं उनको इजीली अटेम्प्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये कंप्लीट कोर्स देख लीजिएगा अगर देखना चाहें, अदरवाइज इसी तरह से नेक्स्ट टू नेक्स्ट करके और डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बेसिक से ही होंगे उनको देने। लेट्स से अब यहाँ पे हमारे पास पहला क्विज आ गया, फाइवर इज लाइक अमेज़न फॉर डिजिटल सर्विसेज। इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। व्हाट इज़ द पेन पॉइंट ऑफ द ऑपरेशन फ्रीलांसिंग, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ
पर्सनल अवेल टैक्स इन कॉन्स्टेंटली हंटिंग फॉर न्यू वर्क. ओके, मेजर पार्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फाइवर के सक्सेस के अंदर. बाय रिस्पेक्ट टू सेल्फ, हू डिलीवर ऑन टाइम, वैल्यू देयर वर्क. तो इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं. ओके, ये पहला क्विज हमारा कंप्लीट हो गया, तो आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है, मैं इनको ज़रा जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ. Thank you.
तो ये हमारे पास एक फाइनल क्विज होता है जिसको मतलब 12 क्वेश्चंस का, 12 एमसीक्यूज का इसको कंप्लीट करना होता है। अगर इसके अंदर से जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो आपको ये क्विज दोबारा देना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें अच्छे से अटेम्प्ट करें। अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से इसको पास करना है तो डोंट वरी, वी विल हेल्प यू। जस्ट मुझे मैसेज करें और मैं आपको ये कंप्लीट जो क्विजेज हैं वो सारे कंप्लीट करवा के आपके जो प्रोफाइल है उसके ऊपर आपका बैच लग जाएगा। तो चले इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो हमारा क्विज़ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्विज़ कंप्लीट होने के बाद हम कुछ इस तरह से रिडायरेक्ट हो जाएंगे। हमने इसको कटआउट करना है और वापस चलना है अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसको हम रीलोड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक बैज आ चुका होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये एक अच्छे से बैज हमारे पास आ चुका है जो कि हमारे प्रोफाइल के अंदर क्रेडिबिलिटी ऐड कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है अपने अबाउट, अपने स्किल्स के अबाउट। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे, है माय नेम इज दानिश, तो यहाँ पे हमने एक बेसिक सी डिस्क्रिप्शन लिखी है। आप इसको बड़ा अच्छा तरीके से लिखिएगा अपने अबाउट, अपनी स्किल्स के अबाउट यहाँ पे आपने मेंशन करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लैंग्वेज है, मेक श्योर कि आपने इसको फ्लुएंट करना है इंग्लिश को। अगर आपकी फ्लुएंट नहीं भी है तब भी आपने इसको फ्लुएंट ही करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने और लैंग्वेजेस जो भी आपकी हैं, लेट्स से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे उर्दू, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ उर्दू पे आ जाता हूँ और बाकी लैंग्वेजेस में यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमसे कह रहा है कि लिंक अकाउंट, तो हमने एक अकाउंट लिंक कर लेना है। मेरे पास जिस जीमेल से मैंने साइन अप किया उसी को मैं यहाँ पे लिंक कर लेता हूँ। सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से जो है पॉपअप ओपन होगा। सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये एक दो ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा और यहाँ पे मुझे अपनी स्किल्स ऐड करनी है, अपनी स्किल्स के अबाउट। लेट्स सपोज मैंने वर्डप्रेस लिखा और यहाँ पे देखें जो नीचे स्किल्स आ गई हैं और मैं इसको ऐड करूँगा।
आपने यहाँ पे तब तक स्किल्स ऐड करते रहना है, जैसे यहाँ पे मैं वर्डप्रेस ब्लॉग्स एक्सपर्ट ऐड कर देता हूँ, इसी तरह से मैं यहाँ पे एलिमेंटर लिखता हूँ, एलिमेंटर प्रो। तो यहाँ पे आपने तब तक ये स्किल्स ऐड करते रहना है जब तक ये वाला ऑप्शन मज़ीद ऐड करने के काबिल आप ना हो, तब तक आपने यहाँ पे स्किल्स ऐड करते रहना और तमाम स्किल्स इस पूरे सेक्शन को आप अच्छे से फिल करना है, अपने जो आपकी स्किल सेट है उसी के रेलिवेंट चीज़ें आपने यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है, लेट्स से मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ पाकिस्तान और यहाँ पे लिख देता हूँ द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर और यहाँ पे मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ लेट्स से MSc एंड कंप्यूटर साइंस। ओके साइंस और यहाँ पे मैं अपना ग्रेजुएशन ईयर लिख देता हूँ, लेट्स से मेरा 2022 ही है तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे सर्टिफिकेशंस लिखनी है, आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है तो ठीक है, नहीं है तो तब भी आप यहाँ पे कोई सर्टिफिकेशंस ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत सर्टिफिकेशन ऐड करें, आप कोई भी छोटी मोटी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीनियर वर्डप्रेस डेवलपर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज अपनी ही कंपनी का नाम ड्रैंकयार्ड और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से 2019 के अंदर मुझे ये अवार्ड मिला। इसी तरह से सर्टिफिकेट और भी सर्टिफिकेट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। मेक श्योर आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव हो। आपको आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आपने यहाँ पे टाइटल के अंदर लिखना है सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर या एक्सपर्ट ग्राफिक डिज़ाइनर, ताकि आपका वो जो क्रेडिबिलिटी है वो आपकी प्रोफाइल के अंदर नज़र आनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं शेयर्ड एक्टिविटी इन्फॉर्मेशन, ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, हमने इसको मैनेज करना है। यहाँ पे वो ऑप्शंस हैं जो कि बायर्स को हमारी प्रोफाइल के अबाउट नज़र आएंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे जो ऑप्शंस हम नहीं दिखाना चाहते बायर को पता चले उनको हम यहाँ से हाइड कर देंगे। तो सबसे पहले द टाइप ऑफ सर्विस यू ऑर्डर मोस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बायर देख ले। नंबर ऑफ कंप्लीट ऑर्डर्स ये भी देख सकते हैं, डेट ऑफ मोस्ट रिसेंट ऑर्डर्स ये आप चाहे तो हाइड कर सकते हैं चाहे तो हाइड ना करें। परसेंटेज ऑफ स्टार्टेड ऑर्डर्स वर कम्प्लीटेड इसको भी ऐसे ही रहने दें। एवरेज प्राइसिंग पेड पर ऑर्डर इसको मैं हाइड कर दूंगा, इसको मैं हाइड इसलिए कर दूंगा कि ऑब्वियसली बात है एक बायर को मैं नहीं बताना चाहता न्यू बायर को कि मेरे एक्चुअल में चार्जेस क्या हैं। हो सकता है वो मुझे $500 पे करना चाह रहा हो और मैंने रिसेंट ऑर्डर $200 का किया हो, तो उसका माइंडसेट भी ये बन जाएगा कि ये बंदा $200 के अंदर भी ये काम करके दे सकता है, तो वो मुझे ऑफर $200 ही करेगा $500 के काम के। तो इस चीज़ों को हमें हाइड करना है। परसेंटेज ऑफ कम्प्लीटेड वर्क टिप्ड ऑफ इसको भी ऑफ कर देंगे। परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स अगर यू हैव ऑर्डर फ्रॉम द पास्ट इसको भी ऑफ कर देंगे। एवरेज रेट इसको भी रहने देंगे। तो ये हमारे पास सेव हो गया। ओके तो ये कुछ सेटिंग्स थी हमारे प्रोफाइल की बेसिक्स जो कि हमें करनी चाहिए और इस तरह से आपने अपनी प्रोफाइल की सेटिंग करनी है। हमने दो चीज़ें देखी, एक राइट साइड की सेटिंग्स एक लेफ्ट साइड की सेटिंग। राइट साइड पे हमने गिग्स ऐड करने हैं जो कि हम अगले मॉड्यूल में देखेंगे। लेफ्ट साइड पे हमारी कुछ सेटिंग्स थी, वो सेटिंग्स हमने करनी थी और हमने वो सेटिंग्स कर ली। आई होप आपको समझ आई होगी किस तरह से आप अपनी प्रोफाइल को सेटअप करना और बेसिक सी सेटिंग्स करनी है अपनी प्रोफाइल की। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।